हाय फ्रेंड्स, आई एम भाग्यश्री एंड वेलकम टू कुक विद शुगर। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे प्लम केक जो क्रिसमस के दिन बनता है। और ये केक आज हम बनाएंगे नो ओवन, नो एग्स और नो अल्कोहल। तो कैसे ये केक बनता है, चलिए देखते हैं आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और उसके अंदर मैंने यहाँ पे ली है मिक्स ड्राई बेरीज ली है। आप अलग अलग करके भी बेरीज को ले सकते हो। इसमें स्ट्रॉबेरीज है, ब्लैक करंट है, बहुत सारे इसमें बेरीज है। इस तरह का पैकेट आप ले लीजिए। और उसके अंदर मैंने यहाँ पे ब्लैक रेजिन्स डाले हैं और ये किशमिश भी इसमें डाल दिया है। और आप चाहो तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने टूटी फूटी रेडी वाली ली है, आपके पास जो भी हो आप वो ले सकते हो। तो यहाँ पे थोड़े से काजू और बादाम के मैंने चॉप करके डाला है। और इसके अंदर हम डालेंगे मिक्स फ्रूट जूस। आप ऑरेंज जूस से भी इसको बना सकते हो। वैसे तो ये बनता है अल्कोहल से, विस्की, रम एंड ब्रांडी से बनाया जाता है। और इसके अंदर एक मिक्स स्पाइसेस पाउडर भी डाला जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्लव, सिनेमन स्टिक्स और जो नटमेग आता है उसका पाउडर बना लिया है। और इसको मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स वाले जो बाउल है उसमें डाल दिया है। इन सब को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम 9 से 10 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जो ये जूस है वो हमारे ड्राई फ्रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हम इसे 10 घंटे के लिए सोक करेंगे। तो 10 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि जो ड्राई फ्रूट्स है उसने जूस पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बस अच्छी तरह से इसको फिर से हम एक मिक्स दे देंगे। तो केक बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल ले लीजिए और उसके अंदर मैंने डाला है 100 ग्राम बटर। ये बटर रूम टेम्परेचर वाला है। और उसके अंदर मैंने डाला है 3/4 कप चीनी डाली है, ये पीसी हुई चीनी है। और इन दोनों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे जब तक चीनी इसमें घुल ना जाए और ये थोड़ा सा क्रीमी ना हो जाए, तब तक आप इसको फेंट लीजिए। तो ये क्रीम फॉर्म में आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक छन्नी रखी है बाउल के ऊपर और इसके अंदर मैंने 1 कप मैदा डाला है। आप गेहूं के आटे से बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। तो यहाँ पे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी छोटी चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला है। इन सबको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। यहाँ पे 1/4 चम्मच मैंने वेनिला एसेंस डाला है, ये केक में थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर देगा। और अब क्या करेंगे, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो ये ड्राई फ्रूट्स थे हमने जूस में इसको भिगोए थे वो हम इसमें डाल देंगे। और अच्छी तरह से फिर से हम ड्राई फ्रूट्स और जो शुगर बटर है उसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए उसके बाद यहाँ पे 4 से 5 बड़े चम्मच पानी डाल के फिर से हम बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हमें परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला हमारा बैटर हमें मिल जाएगा। और हमें इस बैटर को कट एंड फोल्ड के मेथड से ही मिक्स करना है, हमें इसको ओवर मिक्स नहीं करना है, वरना हमारा केक अच्छी तरह से फूलेगा नहीं और बेक भी अच्छी तरह से नहीं होगा। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। केक का बैटर रेडी हो चुका है। तो दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, केक टिन को पहले से ही रेडी रखा था, तेल लगाया था और बटर पेपर से इसको लाइन कर दिया था। तो ये बैटर है केक का, हम टिन में डाल देंगे और ऊपर से एक अच्छी तरह से लेयर कर लेंगे। और इसको 4 से 5 बार हम टैप करेंगे, इससे अंदर जो एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे केक ओवन में नहीं बना रहे तो कढ़ाई में बना रहे हैं। तो मैंने कढ़ाई को पहले से ही प्री हीट कर लिया था। कढ़ाई के अंदर मैंने नमक डाला था और इसको 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हीट करने के लिए छोड़ दिया था। तो हमारी जो कढ़ाई थी वो भी प्री हीट हो चुकी है।
और यहाँ पे ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट से उसको थोड़ा सा गार्निश किया है, तो केक जो बेक होगा उसके बाद वो और ब्यूटीफुल लगेगा। तो बस हम इसी केक टिन को हम प्रीहीटेड कढ़ाई में रख देंगे और हम इसको बेक करेंगे। सबसे पहले 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसको बेक करेंगे, उसके बाद 50 से 55 मिनट के लिए उसको फिर से लो फ्लेम पे उसको पकाएंगे। तो ये केक थोड़ा सा टाइम लेगा पकने के लिए। तो केक भी यहाँ पे पक चुका है और यहाँ पे मैंने टूथपिक की मदद से चेक किया है तो टूथपिक भी एकदम क्लियर आ रही है, तो इसका मतलब है केक बीच में से भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो कढ़ाई में से हम केक को बाहर निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, यानी कि रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए इसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे और जो ये बटर पेपर हमने लगाया था वो भी हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कि केक पूरा अच्छी तरह से बेक हो चुका है और एकदम सॉफ्ट और फ्लफी केक बना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी चैनल कुक विद शगुन को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसे आपके फ्रेंड और फैमिली ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।